बात करूं तो दुनिया कोरोना से लड़ने में विफल हो गई, लेकिन मोदी जी ने कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ी कि 130 करोड़ की जनता को बचा लिया और सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी, ये भी हमको ध्यान। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश हमसे ज्यादा स्वस्थ में सुरक्षित थे, लेकिन समय पर फैसला नहीं कर पाए, नहीं तय कर पाए कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना। लेकिन मोदी जी ने, जब हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो समय पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, लॉकडाउन लगाया, कहा जान है तो जहान है, और 2.5 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। हम लोगों, मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उस समय हमारे पास कोई आइसोलेशन सेंटर नहीं था, हम पीपी किट नहीं बनाते थे, हमारे पास कोई आइसोलेशन बेड नहीं था, आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 2.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बनाना ही नहीं, दुनिया को भी देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो 2.5 महीने के अंदर आइसोलेशन बेड बनाए गए, ऐसे जर्मन हैंगर लगा करके डॉर्मेट्रीज बनाई गई, आईसीयू बेड्स लगाए गए और व्यवस्था की गई। इसलिए कोरोना के मैनेजमेंट में भी हम लोग अव्वल रहे। मित्रों, आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिनके नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में 25 साल लग गए, इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा आने में 27 साल लग गए, इस देश में जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवा आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन 2020 की जनवरी में कोरोना का पहला केस आया था और 2000 अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था, साइंटिस्ट को आह्वान किया था, और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं दो दो वैक्सीन बना करके तैयार की और दुनिया को दी, ये भी हमको था। और मित्रों, मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि लगभग 100 देशों को हमने 25 करोड़ मेडिसिन, अपनी वैक्सीन पहुंचाई है, 25 करोड़ वैक्सीन, ये वैक्सीन मैत्री के तहत, और 48 देशों को 2.5 करोड़ रुपए का मुफ्त में हम लोगों ने वैक्सीन दिया है, 2.5 करोड़। मित्रों, ये भारत का बदलती तस्वीर है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विकास के दृष्टि से भी दुनिया में भारत ने बहुत बड़ी तरक्की की है। और उसके पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, ये हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुतिन से बात की और इधर जेलेंस्की से बात की, लड़ाई को रुकवाया और 22,000 भारतीयों को 2 हफ्ता के अंदर वहां से सेफ निकाल करके घर पहुंचाने का काम किया। तो हमारे मोदी जी ने किया, और लगभग 200 लोग उड़ीसा के भी बच्चे थे जिनको पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। मित्रों, हमारी नीतियां वो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और महिला, युवा, इनको ताकत देने वाली नीतियां। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत हम लोगों ने 8,700 सेंटर खोले हैं और 354 केंद्र हमने उड़ीसा में खोले हैं, जहां से गरीबों को 8 दिन तक 1,300 करोड़ रुपए की दवा में बचत हुई है, गरीब आदमी को बचत हुई है, ये हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में हमने 3,70,00,000 घर बनाए, तो वहीं 20.5 लाख घर उड़ीसा में लोगों को पक्का मकान देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।